हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स स्मार्ट स्टडी। साथियों, इस वीडियो में आज रेलवे ग्रुप डी की सारी बड़ी डाउट्स आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी बताएंगे, कौन से वो पांच सबसे सुरक्षित जोन है जहां पर इस बार सबसे कम कट ऑफ रहेगा। क्या आप भी इन पांच जोन में से हैं? तो इसी वीडियो में बने रहिए पूरे अंत तक। साथियों, सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ होती है, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सारी सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर और हुबली जोन का कट ऑफ, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पांच सबसे सुरक्षित जोन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे फुल डिटेल्स में, ठीक है। आंसर की के बारे में भी फुल अपडेट आप लोगों को देंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से वो पांच जोन हैं, उसके बाद आप लोगों को ओवरऑल सभी जोन का कट ऑफ भी बताएंगे, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर और हुबली जोन का भी। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पांच सबसे सुरक्षित जोन कौन से हैं। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 पांच सबसे सुरक्षित जोन, इससे पहले देखो पांच सबसे सुरक्षित जोन कौन से हैं वो आपको बताएं, उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने जब एग्जाम देखो, आप लोगों ने जो पेपर दिया है रेलवे ग्रुप डी का, या जो अभी बचे हैं जिन्होंने नहीं दिया है हुबली जोन वाले, ठीक है, थोड़ा आप लोग मुझे ये बता देना साथियों, जिन्होंने पेपर दे दिया है उनके लिए, कि जो आप सोच कर गए थे एग्जाम सेंटर में, क्या आपका वो हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर ये बताना। देखो साथियों, 2019 की ये वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम जो है लगभग 3.5 साल के बाद, ठीक है, 3.5 ईयर्स, 3.5 साल के बाद ये पेपर हुआ। बच्चों ने खूब मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है तैयारी करी, जिन्होंने भी परीक्षा दी है, लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, वही जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इतना टफ क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा जाएगा तो बाकी बच्चों का क्या होगा, ठीक है यार। बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन था इस बार, जो कभी भी आज तक रेलवे के इतिहास में, रेलवे ग्रुप डी के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन इस बार वही हुआ है। बात करें अगर साथियों हम, कितने क्वेश्चन का आपका पेपर था, तो 100 क्वेश्चन का पेपर था, 90 मिनट का समय था उसके लिए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में आपके मैथ रीजनिंग के 55 क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ रीजनिंग के जो है 55 क्वेश्चन थे आपके, और इधर जीके, साइंस और करेंट मिलाकर 45, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे। लेकिन यह मुश्किल से मुश्किल अगर हम देखें यहाँ, तो अगर बात करें हम यहाँ पर मैथ की, तो मैथ में जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन जो हार्डली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी भी अपनी तैयारी को छोड़ा नहीं है, उन बच्चों ने इतना क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अगर साथियों हम यहाँ बात करें रीजनिंग की, तो देखो साथियों, कहा जाता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे इजी होता है ना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादातर बच्चे हर एग्ज़ाम में रेलवे ग्रुप डी की, और 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी रीजनिंग में, हार्डली जो है 28 क्वेश्चन, किसी किसी ने तो 30 क्वेश्चन भी बना दिया था। लेकिन इस बार रीजनिंग का लैंग्वेज इतना पेचीदा था कि साथियों 30 में अगर किसी ने 20 भी बनाया है ना, तो बहुत बड़ी बात है, 20 तो बना नहीं पाए होंगे, फिर भी 18 क्वेश्चन बहुत से बहुत बन गया, ठीक है। और यार साइंस का क्वेश्चन इतना टफ था, साइंस के 10 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल बने होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। जीके के क्वेश्चन काफ़ी डीप थे, बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर करेंट अफेयर्स और जीके को देखें, तो 20 में से जो है ना, 20 में से ज़्यादा मुश्किल 12 से 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बने होंगे। ओवरऑल अगर देखें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका अटेम्प रहा है साथियों, अटेम्प की बात करें ना, तो 55 से 65 के बीच में ये मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प है। और आपको एक चीज़ पता है कि जितना हम अटेम्प करके आते हैं, जब घर में आंसर किया आता है तो मिलाते हैं, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन हमारा नेगेटिव चला जाता है। और इसमें
इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए, आप खुद जानते हैं, आपने पेपर दिया है, आपको पता है क्या पेपर का लेवल था, कैसे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगाइए कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। और अटेंडेंस की बात करें साथियों, तो अटेंडेंस तो बहुत ही कम रहा इस बार, ओवरऑल अगर अटेंडेंस की बात करें तो 50%, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओवरऑल अगर अटेंडेंस की बात करें तो 50%, इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। साथियों मैं सबसे पहले पांच सबसे सुरक्षित जोन आपको बता देता हूँ, उसके बाद इनका कटऑफ बताऊँगा, कटऑफ उसके बाद ओवरऑल सभी फेज में सभी जोन का कटऑफ भी आपको बता दूंगा। देखो बात करें साथियों मुंबई, मुंबई सबसे सेफ जोन है इस बार, ठीक है। मुंबई, मुंबई आपके हो गया ये सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 9,335 है, जहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है लगभग, जितना भी आंकड़ा मिला है लगभग 9,07,390। इसका अगर 50% अगर हम देखें, या फिर इतने सीट पर ही, इतनी फॉर्म फिलअप पर ही देखें, तो एक सीट पर 97 बच्चे हैं। इसका 50% कर दीजिए, तो 50% अगर इसका करते हैं हम, तो लगभग आपका 47 या 48 बच्चे एक सीट पर हैं, ठीक है। लेकिन सारे पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं होते हैं ना साथियों, यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये है कि सारे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, मुश्किल से मुश्किल जो है ना, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे वही होते हैं तुक्का लगाने वाले, पढ़ने वाले बच्चे वही हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिनका अटेम्प्ट 55 से 60 के बीच में रहा होगा, ठीक है, यही पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। बाकी अटेम्प्ट करने वालों का क्या है, वो तो साथियों यहाँ पर अटेम्प्ट क्या 100 में 100 भी कर देंगे, है ना, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको अपने काबिलियत पर शक नहीं करना है। आपका जो हाल था, सारे पढ़ने वाले बच्चों का वही हाल था सेंटर में, ठीक है। दूसरा सबसे सेफेस्ट जोन की अगर बात करें तो अहमदाबाद साथियों, अहमदाबाद, और ये वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद है, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। इसमें टोटल वैकेंसी है 10,734, लगभग 9,90,470 यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं, पर सीट पर 92, लेकिन 50% अटेंडेंस अगर देखें तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 46 सीट। और इसमें भी वही हाल है कि सारे पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, 10 से 15%, ठीक है, जो एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर करते हैं। तीसरा सबसे सेफेस्ट जोन इस बार है साथियों सिकंदराबाद, जहां पर टोटल वैकेंसी है 9,328, टोटल फॉर्म फिलअप लगभग 9.5 लाख, एक सीट पर 101 बच्चे हैं, इसका 50% कर दे, लगभग 50 बच्चे एक सीट पर, और यहां भी वही हाल है, सारे पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं साथियों। चौथा जो सबसे सेफेस्ट जोन है वो है आपका चेन्नई, यहां पर टोटल वैकेंसी है 9,579, ठीक है, टोटल फॉर्म फिलअप 9,264 है, पर सीट पर 94 बच्चे हैं, यहाँ पर आधा इसका कर दीजिए 50% अटेंडेंस को लेकर, तो इसका भी आधा आपका हो जाता है कितना साथियों 47, है ना, 47। और यहाँ भी वही हाल है कि सारे बच्चे पढ़े नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, मुश्किल से 10 से 15 बच्चे ही हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है साथियों पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, कितना क्वेश्चन वही 55 से 60-65 के बीच में, ठीक है, अटेम्प्ट बता रहा हूँ मैं, कितनी भी एक्यूरेसी लेके चलो आप, 5, 7, 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाता है। और साथियों पांचवा सबसे सेफेस्ट जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर गुवाहाटी, इस बार पिछली बार हाई चला गया था, इस बार काफ़ी बच्चों ने गुवाहाटी में फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो इस बार गुवाहाटी भी सेफ रहने वाला है, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन इस आंकड़े पर मत जाइए, इस बार गुवाहाटी भी सेफ रहेगा। यहाँ पर 122 यहाँ पर सीट इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इसका भी आप 50% से भी कम कर दीजिएगा, यहाँ पर भी वही मुश्किल से 15 से 20 ही ऐसे बच्चे हैं जो एक सीट पर फाइट कर सकते हैं साथियों, ठीक है, बाकी तुक्कों वालों का मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये पांच सबसे सेफेस्ट जोन है इस बार का साथियों। यहाँ पर अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें इन पांच जोनों का, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ साथियों, देखिएगा ये पीईटी के लिए है, पीईटी के लिए, तो जनरल वालों का साथियों अगर आप लोगों का यहाँ 52, ठीक है, 52 प्लस भी बन रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए, इसमें प्लस माइनस 2 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 48 to 50 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, इतना भी बन रहा है, तो आप पीईटी की तैयारी बिल्कुल खुलेआम करिए। एससी की बात करें साथियों तो 45
टू 46 या 48 भी बन रहा है तो भी आप जो है प्लस माइनस दो तीन नंबर अगर कम भी है तो भी आप अपने आप को सेफ मानिए। एसटी की बात करें अगर तो 41, 42 ठीक है या 43 इस अराउंड या 40 भी आप लोगों का बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। यहाँ पर अगर बात करें साथियों EWS वालों का तो EWS अगर आप लोगों का 46, 48 भी बन रहा है ना तो भी आप अपने आप को सेफ मानिए साथियों। ये तो PET के लिए था, रॉ मार्क्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर देखें यहाँ पर साथियों PWD और एक्स अप्रेंटिस तो इन लोगों का PET तो होता नहीं है। PWD वाले अगर 45 प्लस भी आप लोगों का बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए DV के लिए। अगर एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिस की बात करें इनके लिए तो 20,000 कुछ सीटें आरक्षित है ना अप्रेंटिस वालों के लिए। 30 भी अगर आप लोगों का बन रहा है 30 प्लस तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए बिल्कुल DV के लिए ठीक है साथियों। ये तो हो गए पांच सबसे सुरक्षित जोन। अब मैं ओवरऑल सभी जोन का सभी फेज का कट ऑफ बताने जा रहा हूं। तो सभी जोन का साथियों बता रहा हूं यहां पर सभी जोन के लिए ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सभी फेज में जो एग्जाम हुए हैं सभी जोन के लिए मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा ऑल कैटेगरी के लिए। ऑल कैटेगरी के लिए यहां पर साथियों अगर आप लोगों का यहां 50 प्लस मार्क्स बन रहा है ठीक है किसी भी कैटेगरी में है तो आप PET की तैयारी बिल्कुल कर दीजिए शुरू कर दीजिए किसी भी कैटेगरी में है तो, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा साथियों। मैंने वो सेफ तो बताया, ये आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो पांच सबसे सुरक्षित जोन है वो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ कि सभी के लिए की कट ऑफ इस बार बहुत ही कम रहेगा। जितना मैंने बताया पांच सबसे सुरक्षित सेफेस्ट जोन में उससे भी कट ऑफ कम रहने वाला है इस बार ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, रियल कट ऑफ तो कोई बता ही नहीं सकता है, लेकिन इस बार एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का एनालाइज आपने खुद पेपर दिया है आपको खुद पता है कि इस बार क्या हुआ है। अगर साथियों आप लोगों का 50 नंबर बन रहा है ना तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए 50-55 ठीक है, क्योंकि देख लेना आप इतना रॉ मार्क्स वालों को इस बार कोई नहीं रोक सकता है ठीक है। ये जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना सिलेक्शन जब हो जाएगा उस टाइम आप बताना ये वीडियो यहीं पर रहेगी, अगर नहीं होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा जो आपके मन में आए आप उस टाइम बोल देना। अभी आपको क्या लगता है आपके साथ क्या हुआ था आप जब एग्जाम देने गए थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए ठीक है। आंसर की साथियों आपका जो है आंसर की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर तक आप लोगों का आंसर की बिल्कुल आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं ठीक है। आपको क्या लगता है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।